यह बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर हम रह रहे हैं। फेस्टिवल्स में हो सकती है कम ज्यादा हो, उसी के आसपास हम स्कूल और कॉलेज से जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, आप अपने पेरेंट्स के पास रहेंगे, आप अपने पेरेंट्स से मिलना जुलना रहेगा और आपको उससे कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो चूंकि आपको इस बात का फक्र है कि आप इस राज्य से बिलोंग करते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाएं। आपका कोई सवाल जिसका कोई मैं जवाब दे सकता हूं, क्योंकि कि आपका कोई सवाल नहीं तो दो बातें, क्या तो मेरी सारी बात ऊपर से चली गई थी या ठीक से समझ में आ गई, कोई सवाल हो तो प्लीज बताएं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। यस सर, या टेस्ट आर देयर इन द कॉलेज, या दिस ब्रेन टेस्ट वी कैन गेट इट इन द कॉलेज, और ये कॉलेज इस साल जो है पूरा एक सिस्टम बना रहा है ताकि जो बच्चे हैं उनको वो शुरू से ही गाइड कर सके, शुरू से ही उनको काउंसिल कर सके। इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया कि मेरा साहब हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे पास इस साल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले, हम उनकी प्रॉपर शुरुआत से ट्रेनिंग रखें ताकि आने वाले 4 साल उनके अच्छे जाएँ, अच्छा वो पढ़ सके, अच्छा कॉलेज में समझ सके और अपने कॉलेज के लिए भी और अपने लिए भी देखें गोल करें। आपने कहा कि आपका बेटा पार्क जो कि बहुत शरारती था, चीजों को बड़ा इधर उधर फेंक दिया करता था, जब आप बचपन की बात लौटे और आपने कहा कि मैंने अपने बच्चे के साथ अपने बिहेवियर को चेंज किया, छोटे में बताऊंगी आपने अपने बेटे पार्क के साथ अपने व्यवहार में कौन सा बदलाव आया जिससे आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हुई। जिसको कि रूल्स रेगुलेशन सिस्टम पसंद है और मेरे बेटे को कभी सिस्टम से मतलब ही नहीं था, तो चूंकि वो छोटा बच्चा था अक्सर हम उसको समझ नहीं पाते और अक्सर हम दोस्तों यही गलती करते हैं, हम ये चाहते हैं कि क्योंकि मैं बड़ा हो गया तो सामने वाला मुझे समझे, तो मैंने ये किया बेटा कि मैं उसके जैसा बना, उसके जैसी शरारतें करने लगा। जब घर में गया मुझे पहले शूज भी खोल के रखे तो मुझे बराबर सिस्टम नहीं चाहिए, पर मैंने क्या करा उसके जैसे बनने की कोशिश करी। उसको थोड़े दिन तो लगा था पापा को पागल से हो गए, पर फिर उसको समझ में आया एंड देन ही बिकेम अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो जब वो मेरी बात समझने लगा और मैं उसके साथ जब मेरा व्यवहार ठीक हुआ तो फिर उसे कहा कि बेटा तू जो करता है ये तो बात अच्छा है बट लाइफ के अंदर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको सिस्टम की बातें सिखानी बात है। चूंकि आपने निजी सवाल पूछा है तो मैं आपको दो बातें आपसे और शेयर करना चाहूंगा। एक बार हुआ ऐसा कि जब वो पार्क फोर्थ में आया, और ये मैं चाहूंगा कि जितने भी पेरेंट्स यहां बैठे हैं इस बात को जरूर से ध्यान सुनिए, और आपने बच्ची और ये मैसेज मेरा दोनों के लिए, पेरेंट के लिए भी बच्चों के लिए भी है। तो पार्क जब थर्ड फोर्थ में आया तो नंबर 1 2 3 4 6 7 8 9 0 एकदम अच्छे से लिखता था, और जब नंबर 5 की बारी आती थी तो वो हरदम गलत लिखता था, या तो 1 लिख देता था या 6 लिख देता था या 1 लिखता था, वो सारे नंबर ठीक लिखता था पर नंबर 5 कभी ठीक नहीं लिखता था। तो जैसे मैं उसे बोलता था मेरे को गुस्सा आता था, उसको जोर से थप्पड़ मार दिया करता था और मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या, यू नो अक्सर पेरेंट हम अपने आप को भी कोसने लग जाते हैं, ये भगवान ये क्या हो गया, मंदबुद्धि हो गई, और इतने पाप की बात है कि उस समय जो पिक्चर आई वो तारे जमीन पे आई, और उस बच्चे को मैंने और उसके स्कूल ने डिसलेक्सिया का नाम दे दिया और वो मेरे परिवार से अपने आप में कट ऑफ हो गए। और अक्सर हमारे घरों के अंदर जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है हम समाज में अक्सर उसकी तारीफ करते हैं, मेरी बेटी अच्छी है, मेरी बेटी अच्छी है, पढ़ती भी है, मेरा काम भी करती है,
और मेरा पाप बदमाश है, बदमाश है, बदमाश है, और वो जीवन भर उसी टैगलाइन में जीता रहा। तो एक दिन मैडम ऐसा हुआ कि मुझे, मैं बड़ा परेशान सा था, तो मैंने उससे पूछा कि पाप तू मुझे बता देगा कि तू 5 किलो ठीक से लिख पाता? बोले नहीं पापा मारोगे। मैंने कहा आई प्रॉमिस यू मैं आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। तो बोले पापा जब आप मुझे पढ़ाते थे आपने मुझे 1, 2, 3, 4 बहुत अच्छे से पढ़ाया, और जब आप मुझे 5 पढ़ाने लगे तो आपका मोबाइल फोन आ गया और आप लिख के बाहर चले गए, और जब आप वापस कमरे में आए तो आपने 5 के बदले 6, 7, 8, 9, 0 पढ़ाया और 5 मुझे पढ़ाना भूल गया। और पापा वो दिन और आज का दिन मैं 5 घंटे से नहीं लिख पाता। I think that उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती मैंने करी। और अक्सर हम पेरेंट्स अपने बच्चों में दोष निकालते हैं, ना कि हम अपने में दोष देखते हैं। जब मैंने उसको 5 घंटे से पढ़ाया तो पिछले साल उसके 3 साल बाद वो ऑल इंडिया मैथमेटिक्स के अंदर उसने ऑल इंडिया टॉप किया। यदि शायद मैं वो गलती उस समय नहीं पूछता और शायद उसको रिपेयर नहीं करता मैं अपनी गलती को, तो इंडिया में टॉप करने के बदले वो जीवन भर इसी टैग में जीता कि वो डिस्लेक्सिक है और वो मन बुद्धि का बच्चा है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि यदि कोई बात आपको ठीक नहीं लग रही तो आप अपने माँ बाप से शेयर करें। और पेरेंट्स को मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि यदि आपको अपने बच्चों के बारे में कोई बात न समझ में आए तो बजाय इसको डांटने के, बजाय इसको पीटने के, बजाय उसको और कुछ करने के, आप उसके साथ एक फ्रेंड बन के पूछे कि बेटा प्लीज कर ली हवा कर ली। एंड दोस्तों, मेरे साथ भी जीवन में ऐसा हुआ कि जब मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिली तो मेरे पेरेंट्स महाराष्ट्र रहते हैं, और मैं अक्सर अपने फादर को रोज सुबह फोन करता हूँ। तो जैसे मुझे रात को डॉक्टरेट का पता लगा, अगले दिन मैंने मेरे फादर को फोन किया कि बाऊजी मैं डॉक्टर बन गया हूँ। मेरे फादर बोले क्या डॉक्टर बन गए? मैं क्यों, आप खुश नहीं हो क्या? बोले नहीं बेटा मैं खुश तो बहुत हूं, पर मुझे ये समझ नहीं है कि इससे तेरा क्या फायदा है। मैंने कहा जिंदगी भर आप फायदे देखते हैं, अपने घर में कोई पढ़ा नहीं, इतना नहीं हुआ, इतनी डिग्रियां नहीं, आप मुझे डॉक्टर भी बन गया फिर भी आप खुश नहीं हो? बोले बेटा खुश तो मैं बहुत हूं, पर मैं यही सोच रहा हूं कि सारी डिग्रियां तुम्हें ली इसका मुझे फायदा क्या है। और गुस्से में दोस्तों मैंने फोन रख दिया। रात को मैंने मेरी मदर से बात करी कि माँ देखो पिताजी हटा पैसे की बात करते हैं, ये बात करते हैं। मेरी माँ हाँ 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 सुनती रही, फिर बाद में यही बोली कि तू तो अपने पिताजी को जानता है ना, और उसने फोन रख दिया। फिर अगले दिन फिर शुरू हो गई, फिर मैंने फादर को फोन किया, मैंने सारी बातें करी पर अपने डॉक्टरेट की बात नहीं करी। तो लास्ट में मेरे फादर बोले शंकर तू कह रहा था तू डॉक्टर बन गया? मैंने कहा नहीं, बन गया क्या फायदा? फिर आप पूछोगे तेरा क्या फायदा? बोले आप पर यही तो सोचता रहा इससे तेरा क्या फायदा। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरा फायदा बहुत है। बोले क्या? मैंने कहा कि मेरी फीस डबल हो गई है। बोले आप मैं बहुत खुश हूं। अक्सर दोस्तों हम अपने सामने वाले को नहीं समझते। इफ यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ योर लाइफ बिकम्स मोर इजी एंड मोर बेटर। यस मैम, आपका सवाल है। एक गुड़िया है और काफी इंटेलिजेंट है, लेकिन उस पर बार बार प्रेशर डालना पड़ता है कि अपनी बुक उठाओ, पढ़ो, सिस्टम से रहो, अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से सोना। उसको मतलब टोटली को इरिटेट इतनी हो जाती है कि उसने मतलब बहुत परेशान थी, जूझना के बुक फेंक के मुझे पढ़ना ही, मुझे तो औरों की तरह बनना ही नहीं है, मुझे तो अपना आनंद स्ट्रीम चुनना है। और सेम कहते बेटा 10th में 10th जीपी आना चाहिए या थोड़ा और मेहनत करो, कोशिश तो करो, मुझे लाना ही तो नहीं है ना, मुझे ऐसा करना ही नहीं, मुझे अलग से करना है। लेकिन कहती है मुझे गाड़ी का लेना है, लेकिन इतना पढ़ेगी इतना करेगी, लेकिन उसको सिटिंग भी नहीं है पढ़ने के मामले में, बिल्कुल इंटेंट रहती है, जितना टफ हो उतना परेशान, सारे घर को उथल पुथल नजर आ जाए। इसके लिए क्या कहते हैं? Thank you.
बेहतर है उनके साथ कुछ करने की जरूरत, क्योंकि ऐसे बच्चे अक्सर अपना रास्ता खुद चुन लेते हैं, पर फिर भी आपको लगता है कि मैं उसकी कोई मदद कर सकता हूं, तो जब तक वो मुझसे मिलेगी नहीं या मेरे से बात नहीं करेगी तो शायद मैं समाधान नहीं दे पाऊं। पर मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप उसकी उछल कूद से परेशान ना करें, समझाने की कोशिश करिए। और अक्सर बच्चे अपने माँ बाप की बात कम मानते हैं और अपने टीचर्स की बात ज्यादा मानते हैं, तो मे बी इफ यू गो टू द स्कूल या यदि कॉलेज का जब टाइम आएगा तो यदि आप उनके काउंसलर से भी उनकी बात कराएंगे तो शायद वो आपको गाइड कर पाएंगे। बट इन चीजों से किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर आदमी अपनी नेचुरल लाइफ जीता है। और जब बच्चा 10th के बाद 11th 12th में आता है तब उस थोड़ा सा सीरियस होता है और वो अपनी पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। मैं इस क्राउड में भी देख रहा हूँ कई सारे यंग बच्चों को, मैं देख रहा हूँ उनको हंसी आई जा रही है, इस बात पे आ रही है मुझे नहीं समझ में आता। कुछ बच्चे कुछ और कर रहे हैं, मतलब यू नो यदि इस समय इट टेक्स थोड़ा एनर्जी हमको यहाँ लाने के लिए, कॉलेज ने बहुत मेहनत करी है, इतनी सीनियर फैकल्टी नागपाल साहब आपके सामने बात कर रहे हैं, मैंने भी आपको जो कुछ समझाने की कोशिश करी हम इसके अंदर बहुत कुछ एक्टिविटी ला सकते थे, हम आपको बहुत अलग तरीके से समझा सकते थे, पर बात ये कि 500-600 आदमी के ग्रुप में बहुत कुछ वन टू वन इंटरेक्शन करना बड़ा मुश्किल है, तो हमने आपको एक आउटलाइन बताने की कोशिश की। और जो भी कोई फैकल्टी आ रहा है, और जब आप यहाँ सीरियस नहीं है इसका मतलब ना आप अपने घर में सीरियस होते हैं, ना आप अपने स्कूल लाइफ में सीरियस होते हैं, ना करियर में, और फिर क्या होता है आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि देखो अच्छी जगह नहीं पढ़ाया, अच्छा कॉलेज में नहीं करा, मैंने ये नहीं करा। अक्सर हम दूसरों की गलतियां देखते हैं ना कि अपने आप। मैं दोस्तों आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि 12th तक आपने जो किया आपकी लाइफ बहुत आसान थी, यहां से आपकी लाइफ का रियल चैलेंज शुरू हो, क्योंकि यहां तक आप जैसे भी पढ़े जैसे भी रहे आपके पेरेंट्स ने आपके चाहे बहुत कुछ नहीं कहा, पर यहां के बाद में आपने अपने आप को आंसर देना है, आपने समाज को आंसर देना है, आपने इंडस्ट्री को आंसर देना है। और इस बहन में आप बिल्कुल मत रहना कि आप इंजीनियर बन गए, आप MBA बन गए, या आपने CA कर ली और आपके लेबर लग गया और आप सोसाइटी में सक्सेस हो गए, ऐसा नहीं है। Life is much more difficult and tougher after you complete your graduation. उसके बाद शायद आपको पता लगेगा कि मेरे जीवन में क्या होती है। और दोस्तों मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी इज देयर टू पास नॉट टू पॉज। आप गाना चलाते हैं क्योंकि आपको मना है तो अभी रोक देते हैं ना, दैट इज पॉज। पर आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है वो पास होने के लिए है, ना कि पॉज होने के लिए। आपने कोई भी मौका आज के बाद अपने जीवन में खोया, दैट इज योर पर्सनल लॉस। और इस बात का मैं बहुत फर्म बिलीवर हूं कि लकड़ी के हथौड़े से लोहे का दरवाजा नहीं खोला जा सकता। यदि आपको लोहे का दरवाजा खोलना है तो आपको लोहे का ही हथौड़ा खोलना है। यदि आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, दैट इज ओनली मंत्र। और जीवन में आप आदमी के साथ रह सकते हैं, उसके बिहेवियर के साथ नहीं रह सकते। यू कैन लीव द पर्सन नॉट विद द बिहेवियर एंड योर एटीट्यूड। क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन। एंड दोस्तों योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर एटीट्यूड। ये आपका एटीट्यूड है जो कि आपकी ऊंचाई को तय करेगा। और ये आपके हाथ में, हमारा काम, कॉलेज का काम, फैकल्टी का काम, आपको एक रास्ता दिखाना है, चलना आप ही को पड़ेगा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की सेना से दुर्योधन की सेना कहीं ज्यादा मजबूत थी, पर अर्जुन की सिर्फ इसके लिए जीती उसका साथ ही ठीक था। आपके जीवन में भी आपको एक अच्छा मार्गदर्शक मिला, अच्छा गाइड करने वाला मिला, तो आई बिलीव यू।